street of Rishikesh to Welcome back to my channel, The Nick Diaries, and welcome back to another video of mine. This video is also a travel video, but our regular video se thodi si hatke alag hai because in this video I try to experiment something different from my regular videos. और अभी तक आपने title पढ़ के समझ भी गए होंगे कि what this video is all about. After visiting to Dhanaulti, we came to Rishikesh for 2 days stay. अगर आपने अभी तक मेरी Dhanaulti series check नहीं की है, do check that out. I will link it here. But before going to that video, do watch this whole video. If you will be looking for some tourist spot in this video, I'm sorry to say, but you will be disappointed with that because इसमें मैं tourist spots पे नहीं गई हूँ because it was just one day. And I have been Rishikesh so many times, so tourist spots I have explored them. So if you want to have an idea about tourist spots or hidden places I had visited last year to Rishikesh, I will link that diary here. Do check that out also because I have been to really really beautiful places and hidden places. So in this video I will be taking you on the street of Rishikesh to explore the street food of Rishikesh. Kyunki aap kahin bhi jaate ho आपको एक ना एक स्ट्रीट फूड तो पक्का मिलता ही है उस जगह पे. सो दैट आई विल बी एक्सप्लोरिंग इन ऋषिकेश एंड आई विल बी टेकिंग यू टू वन ऑफ माय फेवरेट कैफे इन ऋषिकेश. दैट्स लाइक रियली रियली फेवरेट ऑफ माइन. कीप वॉचिंग द होल ब्लॉग टू नो व्हाट आई विल बी डूइंग इन ऋषिकेश एंड व्हाट आई विल बी हैविंग इन स्ट्रीट फूड. एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल डोंट फॉरगेट टू हिट अनसब्सक्राइब बटन. एंड अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर शोइंग योर लव एंड सपोर्ट. और अगर वीडियो पसंद आए डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन लाइक बटन, कमेंट, शेयर, जो आप कर सकते हो प्लीज डू इट, शो योर लव एंड सपोर्ट. सो व्हाट वी आर वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. The first place of the day where I am right now is a cafe, and I love this cafe. Whenever I am in Rishikesh, I don't miss visiting through this cafe. ये cafe थोड़े लक्ष्मण झूले से अलग जगह पर है. This is actually near राम झूला. अगर आप परमानी कितन साइड आते हो तो आपको ये cafe दिखता है. The cafe name is Cafe Beyond the Just Coffee, and this cafe has like, why I love this cafe the most is the food is really good, and the second thing is the view, the widest Ganga view you can ever have is. Cafe is like nearest to me because I stay in Swargashram area, तो उसके पास यही है. तो the view and you can actually visual the sunset and everything from here. यहाँ से आपको जानकी सेतु दिखता है, परमानी कीर्तन की शिव मूर्ति दिखते हैं, गंगा. दिस इट्स लाइक एवरीथिंग इज इन वन बकेट और आप इन्जॉय कर सकते हो उस व्यू को टू फुल. सो इफ यू आर लुकिंग लाइक अ डिफरेंट कैफे अदर देन फ्रॉम लक्ष्मण झूला साइड, तो देन डेफिनेटली दिस कैफे शुड बी इन योर लिस्ट. नाउ आई एम गोइंग टू ऑर्डर फॉर माई सेल्फ समथिंग गुड. पहला तो ऑर्डर जो मुझे पता है वो है बर्गर, क्योंकि आई वॉज क्रेविंग फॉर दैट बर्गर. मैं यूजली बर्गर्स कम खाती हूँ, बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू ट्राई बर्गर. सो आई एम गोइंग टू डेफिनेटली शो यू मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है. तब तक मैं ऑर्डर कर लेती हूँ, आप व्यू इन्जॉय करो और फिर मैं आती हूँ. सो दिस इज़ आर फर्स्ट ऑर्डर वेज बर्गर, जो कि सर्व है फ्रेंच फ्राइज के साथ और बहुत सारी मेयोनीज भी लग रही है साथ में. तो लेट्स टेस्ट दिस एंड सी हाउ इट इज. एंड वन कैपेचिनो. तो इतना प्यारा वेदर है, हाउ कैन वी मिस अ सिप ऑफ कैपेचिनो. सो कॉफ़ी भी आ गई है, सो नाउ लेट्स इन्जॉय दिस रियली गुड यमी फूड. और ये सब मेरी पार्टनर है, टीम्स है जो मेरे साथ ट्रैवल करती है. देखो आज ये सब बर्गर इंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ. और एक और चीज़ जो हमने जंक फूड में ऐड कर ली अपनी लिस्ट में, चीज़ी गार्लिक ब्रेड, जो कि बहुत चीज़ी चीज़ी लग रही है. और इसको देख के पारुल के मुंह में पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा. मैं टेस्ट करके बताऊंगी इसका टेस्ट कैसा है.
and some yummy paneer tikka sandwich is also here. ये टेस्ट करके पता लगा कि ये यम्मी है नहीं, बट दिखने में तो बहुत यम्मी लग रहा है. तो हियर इट इज, पनीर टिक्का सैंडविच. And now it's time to review the cafe. I just have some wonderful snacks and I would highly recommend you to try their burger and paneer tikka sandwich. They were really, really yum. I love them. The meal for one person cost rupees 400 to 500, क्योंकि आप अगर एक सैंडविच और एक ड्रिंक लेते हो तो मोस्टली दे आर अराउंड इन 200 रेंजेस. सो इट्स कॉस्ट यू अराउंड 400 to 500. इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर अ डिफरेंट कैफे अदर देन लक्ष्मण झूला और राम झूले के पास आपको कैफे देखना है तो डेफिनेटली यू शुड गिव अ ट्राई टू कैफे. इट्स रियली रियली गुड. आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गिव अ ट्राई टू इट एंड आई वुड रेट 4.5 out of 5 फॉर दिस कैफे. सो फॉर मी इट्स हाईली हाईली रिकमेंड. A few moments later. सेकेंड स्पॉट फॉर द डे इज़ गीता स्वीट भवन, जो कि आपको राम झूले से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिलता है 100 मीटर्स के. और ये शॉप खुलती है 8 o'clock to night 8 o'clock. तो अगर इस आप एक बजटेड प्राइस में ब्रेकफास्ट देख रहे हो, पूरी सब्जी या कचौड़ी के फ़ैन हो, देन डेफिनेटली दिस शॉप इज़ फॉर यू. इनकी कचौड़ी और पूरी लाइक आउट ऑफ स्टॉक रहती है, इतनी जल्दी बिकती है. और अगर आप इनकी मिठाई की बात करें तो देसी घी की मिठाई बनती है. सो यू इफ़ यू वॉन्ट रियली अ टेस्टी मिठाई या ऐसी मिठाई की बहुत ज़्यादा देसी घी की और स्वीट बिल्कुल भी ना, देन यू शुड ट्राई देयर स्वीट्स हेयर. आई प्रेफर बेसन का लड्डू क्योंकि वो बहुत टेस्टी, मैं जितनी बार आई हूँ उतनी बार मैंने खाया है. तो इट्स माई रिकमेंड दैट यू शुड गिव अ ट्राई फॉर बेसन का लड्डू इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम रियली यम्मी डिलीशियस स्वीट. अभी मैंने ऑर्डर किया है अपने लिए कचौड़ी, जो कि सर्व है चटनी के साथ, लाल वाली चटनी के साथ, एंड इट कॉस्ट मी ₹15. लेट्स टेस्ट इट और देखते कैसी है. तो आप देख सकते हैं इस कचौड़ी में दाल की फिलिंग है बेसिकली, यू कैन सी इनसाइड इट. ये गर्मा गर्म नहीं है क्योंकि अभी हम शाम के टाइम खा रहे हैं और सुबह का मुझे पता नहीं कैसे होते, बट अभी ये नॉर्मल है. बहुत क्रिप्स है और चटनी के साथ खट्टी मीठी टेस्ट आ रही है, बट इट्स रियली रियली टेस्टी. 15 rupees के बाद में बहुत अच्छी है, बहुत. आई रियली लव इट. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग इन बजट देन दिस शॉप इज़ डेफिनेटली फॉर यू. Enjoying good time at cafe and having some delicious food, we went to Geeta Sweet Shop, which is like one of the famous shop here in Rishikesh near Ram Jula. And now we are looking for the street food, जो कि हमें मिल चुकी है. This is the lane which is exactly opposite to the Geeta Bhavan. And as soon as you enter this lane, you will see a lot of stalls of chaat and street food. And उसके exactly सामने है Ganga Ghat, where you can just sit and enjoy and have your snacks and just like. आपको प्रॉपर सिटिंग्स नहीं मिलेगी, बट ऑब्वियसली कैन सिट ऑन स्टेयर्स एंड जस्ट एंजॉय द व्यू ऑफ गंगा एंड स्पेंड सम गुड टाइम. जैसे परमाने किधन की साइड जाते हो तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रीट दिखती है, एक चौपाटी टाइप में, जहाँ पर आपको स्ट्रीट फूड मिल रहा होता है, प्रॉपर डिलीशियस और बहुत खुशबू भी होती है. और एग्जैक्टली उसके सामने घाट है जहाँ बैठ के इंजॉय कर सकते हो स्ट्रीट फूड. तो मैंने ऑर्डर किए बहुत सारे फूड. सबसे पहले है आलू चाट, जो कि कुछ ऐसा दिख रहा है ग्रीन चटनी के साथ और तला गया है और बहुत सारा मसाला है. सो लेट्स टेस्ट दिस एंड सी वेदर इट्स लाइक रियली टेस्टी या फिर हमारी दिल्ली ही आ गई है इस आलू चाट में. सो जस्ट ग्रैब दिस.
इसमें बहुत ज़्यादा हरी चटनी डली है तो तीखे साइड पे है. ठीक ठीक है, मतलब आई एम नॉट अ पर्सन हु ईट्स लॉट ऑफ स्पाइसेस. फॉर मी इट्स ऑन स्पाइसेस साइड. तो अगर आपको इतना स्पाइसी पसंद नहीं है या तो उन्हें बता दो या फिर अवॉइड इट. सो हेयर इज़ द रिव्यू फॉर आलू चाट. सेकेंड थिंग विच इज़ रियली रियली फेमस हेयर, मतलब आपको चाहे आप सुबह मॉर्निंग में आ जाओ या रात के टाइम डिनर के टाइम आ जाओ या इवनिंग में किसी भी टाइम आओ स्नैक्स में, आपको यहाँ पर जो क्राउड है या यहाँ के लोग हैं यू विल फाइंड ईटिंग देम छोला कुलचा अ लॉट. तो आई वॉज लाइक लेट्स ट्राई इट कि ऐसा क्या है इनके छोले कुलचे में जो ये हर टाइम आपको छोला कुलचा खाते हुए दिखते. बिकॉज इन दिल्ली आई हैव सीन छोला कुलचा आर लाइक फेमस अराउंड मॉर्निंग टाइम ओनली एज अ ब्रेकफास्ट और टिल आफ्टरनून. उसके बाद मुझे छोला कुलचा कभी नहीं दिखता. सो आई जस्ट वॉन्टेड लाइक क्या है इनके छोले कुलचे में ऐसा कि जो ये हर टाइम खाते. तो मैंने भी सोचा लेट्स ऑर्डर फॉर छोला कुलचा दिस टाइम. सो हेयर इज द छोला कुलचा. तो अभी सो दे हैव गिवन अस टू कुलचा एंड ये छोला है जो मिर्च के साथ सर्व है. ग्रीन चटनी है और अनियन और टमाटोज है बहुत सारे. तो ये है कुछ ऐसा छोला कुलचा. तो इसे खाते और बताते कैसा है इसका टेस्ट. छोला कुलचाज आर रियली रियली टेस्टी. कुलचा तो एज यूजुअल जो हम खाते हैं बट छोले आर रियली टेस्टी. बड़ा टैंगी सा फ्लेवर है बिकॉज बहुत ज़्यादा लेमन जूस डाला हुआ है और जो इन्होंने चटनी डाली उससे बहुत टेस्टी टेस्ट आ रहा है. सो आई रियली लव छोला कुलचा. अब पता लग गया कि हर टाइम क्यों सब मुझे खाते हुए दिखते हैं छोला कुलचा. दे आर रियली रियली टेस्टी. और इतना ठंडा ठंडा मौसम है सो हाउ कैन आई मिस आलू टिक्की. तो ये आलू टिक्की भी ऑर्डर की है मैंने जो कि बहुत सारी दही और इमली की चटनी के साथ और कुछ छोले सर्विंग के साथ भी है ये आलू टिक्की. मुझे आलू टिक्की कुछ इतनी खास पसंद नहीं है बट मेरे जो कंपेनियंस मेरे साथ थे उन्होंने कहा लेट्स ऑर्डर फॉर आलू टिक्की ऑल्सो. तो मुझे सिर्फ टेस्ट करना है और आपको बताना है कि हाउ इट इज़. सो लेट्स होप कि अच्छी हो क्योंकि मैं आई एम नॉट अ आलू टिक्की फैन बट लेट्स सी कि इस टाइम मुझे अच्छी लगे. आई डिडंट लाइक आलू टिक्की मच. So I would be like, it's your choice if you want to try or not. But मुझे आलू टिक्की कुछ खास नहीं लगे. So for me, it's down for the आलू टिक्की. So if you are in Rishikesh, you can give a try for some good sweet style food here definitely. I would recommend you to have छोला कुलचा only क्योंकि मुझे सिर्फ वही पसंद आया. I didn't like आलू चाट neither. I like aloo tikki much. So in my opinion, I would say you should go for chola kulcha and its cost is rupees 40, which will fulfill your tummy also and it's in budget also. So agar aap ek chola kulcha aram se kha lete to ek meal proper puri ho jati. So it's cheap. I wouldn't recommend aloo tikki and aloo chaat. वो आप पे डिपेंड है कि आपको खाना है या नहीं. एंड ऑल्सो इट्स नॉट टू हाइजीनिक एरिया. तो आप अगर इफ़ यू आर पर्सन हु इज़ वेरी मच हाइजीन कॉन्शियस देन डेफिनेटली द स्ट्रीट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर यू. If you are in Rishikesh and you don't try barf ka gola then your trip is not complete. In Rishikesh you find barf ka gola at every point. So this has to be in my food list also. So maine apne liye order kiya hai kala khatta kyunki ye most common hai aur agar aapne nahi bhi khaya hai to aap ise try karoge to you know ki whether you want to have kala khatta or not. It's most common flavor which you should try in barf ka gola and it's cost me rupees 30. So it's okay to be on pocket also. So let's try this barf ka gola only. It tastes yum. Isme alag hi flavors hai but it tastes yum. I would definitely tell you you should try a barf ka gola. It's worth it.
The next thing which I really really wanted to try is lemon soda, because I haven't tried lemon soda any time. मतलब when I was going around to check the street food, तो मुझे हर point पर एक lemon soda का board दिख रहा था and that कांच की bottle with balls तो वो दिख रही थी. So I was like really fascinated कि I should try a lemon soda. So here it is, finally the lemon soda is here. तो उन्होंने जो कांच की bottle में लिमका थी वो डाली है and some lemon and some masala. So here it is. So cheers. It's really really tasty and so refreshing. I am like, why I haven't tried it yet? Ki I was yesterday also in Rishikesh, to maine abhi tak liya kyun nahi. It's so so amazing. Highly recommend you to try a lemon soda at. After enjoying some really Rishikesh street food, now it's time for the last thing, which is like best thing of Rishikesh. So it has to be there in this food video, is the cookies which you find in Rishikesh only, and that small shop or rickshaw you can say, that is the bakery on wheels. This concept I have seen in Rishikesh only, so this thing has to be in this video. And their cookies are really really tasty. Bakery on wheels is a concept where they have a small chimney type oven where they use wood and coal to warm it up and usme bake karte hain. And they have three types of cookies. Basically one is butter and sesame cookie and another one is peanut cookie. You can see here, this is peanut cookie and this is chocolate cookie. Basically use of cocoa powder is used here. So these are three types of cookies which you can have it or taste it. I have purchased only chocolate cookie and I just asked him to give me two other cookies to show you specially. It cost rupees 100 for 250 grams. So approx for 1 kg it will cost rupees 400. I don't know whether it's like on higher side or cheaper side, but that's the price. And they taste warm, really tasty. So let's try out. First is sesame and butter cookie, which are like plain cookie. This have a strong taste of sesame. So if you are a fan of sesame, then definitely you will love this cookie. And this one is peanut cookie. This one is more like a plain cookie. Bas agar aapke crunch aa raha hai peanut ka, then only you will find it ki ye peanut cookie hai, nahi to it's basic cookie. And my favorite, the chocolate cookie, which I am really really eager to try. Just now I realized ki is cookie ke andar proper chocolate hai andar. You can see here proper melted chocolate is there, and as soon as you are putting in your mouth you can taste chocolate, actual chocolate in it. It's really really tasty. I will definitely go for this one because it's worth it. This one is really tasty, the chocolate one. For others it depends on your taste bud. Actually I liked these one also, but I'm not fan of peanut, so for me peanut is like okay, but sesame is really good. If I have to rank it and have to be partial towards something, then it has to be chocolate cookie only. So if you are in Rishikesh, don't miss bakery on wheels, because aap bahut achi cheez miss kar doge. So if you are coming next time in Rishikesh, give a try to this cookies also. I hope you would have loved today's video. Do let me know in comment section if I missed something in Rishikesh. I know some of you might say that you didn't visit to Chotiwala restaurant, but I have been to Chotiwala restaurant lot many time, but now I feel their quality is degraded. It's not up to mark and the taste is not that unique or tasty that I would recommend to other people, because last time my experience was not good in Chotiwala restaurant. So that's why I ditched that this time. So it's better I go and search for new options. So that's why you will not find the most common and famous restaurant in my video. But it was really really a day where I save a lot of taste, because her dish mein alag taste tha and really tried something new also.
like lemon soda. I haven't tried lemon soda, especially of Rishikesh. That was like first time experience, and it was really, really tasty. And the food thing is like, you have different taste buds, everyone has different taste buds, so it's depend totally on you how you like it. Some of you might say that no, aloo tikki there is really good, you didn't find it, because everyone have a taste, like everyone prefer different taste. So do let me know in comment section where I was wrong or where I was right and what I missed, so that whenever I'm visiting next to Rishikesh, I go and try that out also. I was not able to cover up Lakshman Jula cafe, any cafe, because I went there, but it was so, so crowded that I have to drop the plan and come back. And also Lakshman Jula is not functioning. So if you have to cross the river, you need to take a boat ride to cross it. But there also a lot of waiting was there. So the plan for Lakshman Jula was totally like wiped out from our list, that it's really, really crowded. So let's ditch that. So this is the latest update about Lakshman Jula. If you like today's video, don't forget to hit on like button. Aur agar yahan tak video dekh li hai, toh do think about subscribing to my channel. Comment, share, jo aap kar sakte ho karna please. And it's time to say goodbye to you. Till then, keep yourself healthy and safe. Bye bye. See you next time. Please do. Bhul gaye.